मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत होती है, टाइम बज रहे 11 और आज तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, इसीलिए लेट स्टार्ट कर रही है ना ब्लॉग। आज गर्मी भी बहुत हो रही है और मेरे ना पेट में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कल रात से मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, दर्द से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और आज थोड़े बहुत कपड़े भी है मैं और बुलबुल धो रहे हैं, और पानी का भी इशू होने लग गया है क्योंकि गर्मी आ रही है। गर्मी में पानी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ये कि हाथों हाथ धो कपड़े और हाथों हाथ ना धो, हाथों हाथों धो नहीं इसे अलग से धो दूंगी, अब मेरे को याद नहीं रही। वाइट कपड़े हम अलग से ही धोते हैं, वैनिश हल्का सा एक ढक्कन वैनिश डालते और डिप करते और हल्का सा सर्फ डाल के छोड़ देते एक दो घंटे के लिए, तो वाइट कपड़े बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि सारे ना अगर एक साथ डाल दो तो आपको पता ही है ख़राब हो जाते हैं कपड़े। तो अब उठे हैं, अब चाय पानी तो पी है अभी, वो मैं दिखा नहीं पाई। और अब देखते, मैंने बोलता ना आमी की सब्ज़ी खानी है, वो खाने का मेरा बड़ा मन है, तो मैं वो छिलती हूँ बुलबुल चौके भी आमे की सब्ज़ी, और मैं आपको दिखाऊंगी आमे की सब्ज़ी कैसी बनी है। अब मैं छिल रही हूँ आमी, अरे इसके पतले पतले छिक्कल निकालने होते हैं, वही बहुत हाथ दर्द हो रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, छिले नहीं जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा। दिख रही है आमी बड़ी टेस्टी टेस्टी आमे आ रही है, ये देखो मैंने एक आमी छिल भी दी, कितनी सुंदर लग रही है, देखते इससे ट्राई करके ये होता है, बहुत ही छिल गया था, अब छिला है, पहले कट लगाना पड़ता है इससे चाकू से ना, तो ये जाके छिलता है, क्योंकि ये बहुत चिकना है ना, कच्ची कैरी है। इस बार मैं सोचू अचार भी डाल लूँगी इसका, देखूँगी ट्रायल करके। और बाकी सब्जी बना के आपको दिखाते हैं सब्जी कैसे बनाती है, वो भी मैं सीख लूँगी, तो मैं फिर ना ये कि बना लिया करूँगी। मुझे पसंद है आमे की सब्ज़ी, मैं तो सिर्फ मीठ की तरह भी पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हमारी आमे की सब्ज़ी बन गई है, ये बहुत टेस्टी सब्जी। और इधर दाल, और ये मिर्ची झोंकी थी। तो अब खाने जाएंगे हम, बच चुके हैं डेढ़, ये लंच ही हो रहा हमारा, खाना वगैरह हो चुका है और हाथ में तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर, फिर शाम में उठ के देखते हैं। देखो मेरी जो चोट लगी थी अब भी सही नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द है इसमें, हाथ में इस वाली चोट में, ये मैं उधर गिर गई थी। अब पैर में भी चोट लगी, उस पर भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो दोस्तों खाना खाते हैं, और आज का दिन ही ऐसा ही है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, खाना वगैरह खा लें फिर जाके मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। शाम के बज रहे हैं 4 और हम पी रहे हैं चाय और ब्रेड, बहुत तेज भूख लग रही थी, हमने सोचा सो के थोड़ा सा कुछ खा पी लें। और दोस्तों अब आज कुछ तो है नहीं बोलने के लिए सही बताऊँ तो, बाकी देखते हैं अब तो शाम को क्या करेंगे। तो दोस्तों बुलबुल आज पैकिंग कर रही है, कल जा रही है ये अपने घर, ये देखो इसकी पैकिंग तैयार हो रही है, कल चली जाएगी अपने घर। बुलबुल को कितना टाइम हो गया, पूरा 1 महीना 4 दिन हो गए पूरा, आज 25 तारीख है, मन तो नहीं कर रहा उसे जाने का और ना मेरा मन कर रहा था भेजने का, पर क्या करें जाना है, क्योंकि वहाँ पर दीदी भी अकेली है और घर पे सब अकेले, बच्चे सोना भी अकेला है, सोने का भी मन नहीं लग रहा है, सोने से आप मिले नहीं होंगे, मैं तो नहीं जा पाऊँगी शायद, कल छोड़ने मुश्किल ही है। आप सोने से मिलोगे ना, फिर आपको सोने से भी मिलवाऊँगी कल तो मैं नहीं जा पाऊँगी, बुलबुल जब भी मैं जाऊँगी कभी, मतलब अब ये मई में जाऊंगी, उसके बर्थडे के आसपास जाऊंगी, तब मैं सोने से मिलवाऊंगी, तो फिर आप मिल लेना उससे। पर आज तो बुलबुल जा रही है, वो आप पैकिंग आज से स्टार्ट कर रही है, पैक कर रही है अपने कपड़े, मैं दिखाती हूँ आपको इस लड़की के कपड़े कितने सारे हैं, कितने और है बुलबुल। अच्छा अभी बेड में भी तो है, तो एक जोड़ी तो बेड है क्यों है, एक जोड़ी बहुत सारे हैं,
देखो कह रही है एक जोड़ी तो है बेड में, मैं बहुत सारे हैं, एक जोड़ी नहीं है। देख रहे हो इसको आप लोग, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। देखो हाँ, अब देखो दोस्तों, कर ले बेटे, मेरे तो ये गोडा फूट रहा है, ये देखो ये हाथ पे भी चोट लगी, अभी भी सही नहीं हुई है। जब से मनाली में ही मैं क्या ही बताऊँ, कैसे गिर गई थी, ठोकर लग गई थी और कुछ नहीं हुआ था। ओ भाई साहब, आज तो मेरी पूरी बॉडी लेजी हो रही है दोस्तों। ये देख रहे हो आप, वो इस आदमी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, इस आदमी के बारे में मैं क्या ही बोलूं जो मेरे बगल में बैठा है। समझ गए होंगे आप कौन है ये, मेरे मामा है। समझ गए दोस्तों कौन है। कभी मैंने आपको दिखाया नहीं ना मिलवाया, पर मैं मिलवाऊंगी दिखाऊंगी भी, पर पता नहीं उसको कुछ ज्यादा ही, उनको सॉरी उनको कुछ ज्यादा ही शर्म आती है। पर आजकल हमारी थोड़ी सी तू-तू में चल रही है, मेरी फाइट हो रखी है, इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं जल्दी से बात करती नहीं हूँ। देखो आप देख रहे हो, इसमें तो ऐसा लग रहा है कितना संस्कारी होगा ये, पर ऐसा कुछ है नहीं। जितने तहजीब से इसने मेरा हाथ पकड़ रखा है ना, इतनी तहजीब तो है नहीं ना इस आदमी में, जितनी तहजीब से इनने मेरा हाथ पकड़ रखा है। पर कोई ना, फाइट चल रही है तो फाइट ही सही है, कभी कभी होनी भी चाहिए लड़ाई। कि पैकिंग नहीं हुई है, अरे कर लियो धीरे धीरे, कर ले बेटा कर ले। तो कल जाना तो तुझे टाइम से पैकिंग करनी चाहिए थी ना। हाँ, तो हो जाएगी, रात भर जाग के कर लूंगी। हाँ हाँ हाँ। तो आज के ब्लॉग का एंड यही करते हैं, कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग कुछ ज्यादा लंबी नहीं है, बस बुलबुल के साथ उसकी पैकिंग वगैरह सब करवा दूं, और देखते शायद रिंकी आ गई है। कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें।